हाय फ्रेंड, आपका यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य सी के आर्यन फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। बाबू, आज हम लोग केमिस्ट्री में यानी कि केमिकल कंपाउंड अर्थात रासायनिक यौगिक बनाने को क्या करेंगे, सीखेंगे। यानी कि आप लोग अगर इतना कर लेते हैं तो लगभग 9th, 10th और 11th के लेवल तक आप लोग जो भी कंपाउंड है आसानी से उसका नाम बता सकते हैं और कोई भी कंपाउंड आप लोग पहचान सकते हैं। इसी के साथ बाबू, हम इस वीडियो को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, और थोड़ा आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो देखिए, अगर आप लोग को अगर फायदा होता है तो दूसरों के भी बताइए, और एक काम कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो बाबू, देखिए अब देखिए, यानी कि एक तरफ है धात्विक और दूसरा तरफ है अधात्विक। सबसे पहले कि अगर धात्विक और अधात्विक अगर मिलता है तो आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। अगर धात्विक यानी कि धातु और अधातु मिलता है बाबू, तो आयनिक यौगिक का क्या होता है, निर्माण होता है। और हम लोग तो यौगिके के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि यौगिक का निर्माण कैसे होगा। यानी कि देखिए, इस पर हम प्लस लिखे हैं, Ag प्लस, H प्लस, Li प्लस, Na प्लस, के प्लस, सीयू प्लस, सीयू प्लस टू, जेड एन प्लस टू, एफ ई प्लस टू और एफ ई प्लस थ्री और एस एन प्लस फोर और एम जी प्लस टू। यानी कि ये जो प्लस वन लिखे हैं या टू लिखे हैं या थ्री लिखे हैं बाबू, वो जो है उसका संयोजकता है। ये क्या प्रदर्शित करता है, संयोजकता। यानी कि जो प्लस में है वो धातु है और जो माइनस में है बाबू वो अधातु है। हम लोग अगले वीडियो में आप लोग को हम बता देंगे कि NO3 पर माइनस चार्ज कैसे है, अगर या SO4 पर माइनस टू चार्ज कैसे है, या OH पर माइनस वन चार्ज कैसे है, या HCO3 पर माइनस चार्ज कैसे है। अगर हम आप लोग को आसानी से, जो आसान है इसमें देखिए थोड़ा सा ट्रिकी मेथड से हम लेकर आएंगे आप लोगों के बीच, और आप लोग समझ जाइएगा। है देखिए आसान है, इस पर Na प्लस कैसे होता है, तो जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2 8 1 होता है। तो जब 2 8 1 है तो हर एक एलिमेंट सोचता है कि हम अस्थाई होके, यानी कि वो अष्टक पूरा करना चाहता है, यानी कि अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। जब 8 वो इलेक्ट्रॉन बाबू चाहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर Na प्लस चार्ज चढ़ेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसको हम लोग धातु बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, उसको हम लोग अधातु बोलते हैं। अब देखिए, धातु और जब अधात्विक मतलब क्या करता है, मिलता है, तो आप लोग का आयनिक बंधन का क्या होता है बाबू, निर्माण होता है, आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। इसी के साथ बाबू हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम Ag NO3 यहाँ पर लिख दिए तो इसका नाम क्या हो गया, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट होगा। यह सिल्वर नाइट्रेट कैसे हुआ, तो Ag से होता है बाबू सिल्वर और NO3 के मतलब होता है नाइट्रेट। या अगर आपको दे दिया Na NO3 इसका नाम क्या हुआ, तो सोडियम नाइट्रेट हुआ। अगर मान लीजिए दे दिया KNO3 तो इसका नाम क्या हुआ, पोटेशियम नाइट्रेट हुआ। क्या हुआ बाबू, पोटेशियम नाइट्रेट हुआ। या आपको दिया CuNO3 तो क्या हुआ, पोटेशियम कॉपर नाइट्रेट हुआ। यानी कि जो बाबू हम लोग पहले लगाएंगे उसको यानी कि क्यूपरस इसको बोला जाता है, क्यूपरक यानी कि क्यूपरस नाइट्राइड या क्यूपरिक। अगर प्लस टू होगा तो क्यूपरिक होगा, अगर प्लस वन होगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्यूपरस होगा। और जब मान लीजिए कि हम दे देते यहाँ पर CuNO3 के होल ट्वाइस अगर यहाँ पर लगा देते तो आपका हो जाता बाबू क्यूपरिक। ये हम लोग सीखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ये कैसे होगा। अब देखिए, जैसे अगर हम ले लेते हैं एक लेते हैं Ag और एक लेते हैं मान लीजिए सल्फेटे लेते हैं SO4, बताइए इस पर प्लस चार्ज मतलब चार्ज कितना है, चार्ज मतलब आवेश, प्लस माइनस देखेंगे, एक चार्ज है तो एक लिखेंगे, या प्लस हो या माइनस हो
जय गो चार्ज होगा, आपको अंक लिखना है, कुछ नहीं करना है, एक है तो एक हो गया। अब सल्फेट पर देखिए कि क्या कितना चार्ज है, माइनस प्लस ले मतलब नहीं है भाई। अब इसका चार्ज है दो, जब दो है तो दो लिखेंगे। अब देखिए क्या होता है, इसको आप तिरछा तिरछी गुना कीजिए। कैसे गुना करेंगे, तिरछा तिरछी, यानी कि एजी में दो से गुना करेंगे और सल्फेट में एक से गुना करेंगे, तो आपका बना का Ag2SO4 का बना Ag2SO4, यानी कि इसका नाम क्या हुआ, सिल्वर सल्फेट। क्या हुआ बाबू, सिल्वर सल्फेट। क्या हुआ, सिल्वर सल्फेट, कोई दिक्कत, यानी कि इसका नाम क्या हुआ, सिल्वर सल्फेट। आप बना सकते हैं लिथियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट या क्यूप्रस सल्फेट या क्यूप्रिक सल्फेट या जिंक सल्फेट या फेरस सल्फेट या फेरिक सल्फेट या एस्टेनिक सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट। यानी कि अगर आपको, अगर आप कोई भी यौगिक बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं बाबू, बना सकते हैं। यानी कि अगर और हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर है फेरस, एफी का आपका है प्लस दू, तो प्लस दू है तो यहाँ पर दू लिखेंगे, और एक ले लेते हैं आपका, एक ले लेते हैं मान लीजिए कि हाइड्रोक्साइड OH, OH पर वन चार्ज है, वन चार्ज है, तो क्या करेंगे हम, इसको तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो आपका एफ ही में एक से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, एफ ही, और इसमें दो से गुना कीजिएगा तो बाबू एक काम ई मत कीजिएगा कि आप लोग यहाँ पर दो से गुना कीजिएगा, नहीं, बल्कि इसको छोटा कोष्ट में घेर कर और इसको बोल घेर दो से गुना कर दीजिएगा, यानी कि एफ ही ओ एच के होल ट्वाइस। इसको क्या बोलेंगे, एफ ही ओ एच के होल ट्वाइस, और इसका नाम क्या होगा, फेरस हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या हुआ, फेरस हाइड्रोक्साइड। यानी कि एक ले लेते हैं जिंक और एक ले लेते हैं ई वाला HCO3। देखिए जिंक पर आपका कितना चार्ज है, प्लस दो है तो दो लिखेंगे, और बाइकार्बोनेट पर कितना चार्ज है, बाइकार्बोनेट पर आपका एक है, मतलब वन माइनस है तो एक लिखेंगे। तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना, तो आपका बनेगा कितना, ZN और HCO3 के होल ट्वाइस, इस सब में गुना होगा, तो इसका नाम बताइए क्या होगा, जिंक बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या होगा, जिंक बाइकार्बोनेट, या आप कह सकते हैं जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बोल सकते हैं जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि आप लोग एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसका होगा कार्बोनेट होगा, इसका होगा कार्बोनेट। एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप आसानी से कोई भी अगर यौगिक होगा आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक लेते हैं मैग्नीशियम, एक लेते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम Mg, Mg का संयोजकता कितना होता है, दो, और एक लेते हैं जैसे यहाँ पर PO4 लेते हैं, PO4 का आपका संयोजकता कितना है, दो। अब देखिए इसका भी दो और इसका भी दो, तो एक काम करना चला, अगर जो अनुपात में अगर इसको लिया जाता है, यानी कि अगर यहाँ भी दो होगा और यहाँ भी दो होगा, दो अनुपात अगर दो अगर लेते हैं तो ये एक एक कट जाता है, तो ये एक एक से कटा भी सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, यानी कि बनेगा आपका का MgPO4। या मान लीजिए कि हम एक लेते हैं यहाँ पर Fe है, आपका Fe पर प्लस तीन है और एक है PO4, और प्लस मत लिखिए, Fe पर आपका तीन है और यहाँ पर आपका दो है, तो गुना कीजिएगा क्या होगा, Fe2 और PO4, यानी कि आपका नाम क्या हुआ। देखिए बाबू, अगर Fe पर अगर प्लस टू होता है तो आप लोग फेरस बोलिएगा, और Fe पर प्लस तीन चार्ज होगा तो इसको हम लोग फेरिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरिक। अब देखिए हम तीन वाला लिखे हैं ना,
तीन वाला, तो तीन से गुना होगा, तो तीन वाला जब लिखे हैं तो इसका नाम क्या होगा, फेरिक फास्फेट। इसका नाम क्या होगा भाई, फेरिक फास्फेट। इसका नाम क्या होगा, फेरिक फास्फेट। कोई दिक्कत, अगर देखिए अगर कोई भी अगर यौगिक बनाना है, एक और ले लेते हैं सोडियम और एक ब्रोमीन ले लेते हैं। एक ले लीजिए सोडियम, सोडियम पर एक होता है आपका Br ब्रोमाइड है, इस पर भी एक होता है, तिरछा तिरछी गुना कीजिए NaBr बना आपका सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड यानी कि सिल्वर नाइट्राइड बना सकते हैं, सिल्वर सल्फेट बना सकते हैं, सिल्वर फ्लोराइड बना सकते हैं, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, सिल्वर बाइकार्बोनेट या सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर कार्बोनेट और सिल्वर फास्फेट या सिल्वर सल्फाइड बना सकते हैं, या हाइड्रोजन नाइट्राइड या हाइड्रोजन सल्फेट या हाइड्रोजन फ्लोराइड या लिथियम हाइड्राइड या सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट या क्यूपरस बाइकार्बोनेट, यानी कि आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कोई भी यौगिक को बना सकते हैं। इसी के साथ बाबू आज इतना ही, इसी के साथ हम आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा लाइक और शेयर कीजिए और जितना भी हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को क्या कीजिए, फैलाइए। धन्यवाद।